हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्यन। सो आज की इस वीडियो में मैं अप्सरा एंड डॉम्स के कुछ ड्राइंग मटेरियल्स लाया हूँ, जो कि मैं आज इस वीडियो में रिव्यू करूँगा। सो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। सो यहाँ पे मेरे पास ये अप्सरा की तीन पेंसिल्स हैं, एक 2B, एक 4B एंड एक 6B। सो ये 2B, 4B एंड 6B लाइट से डार्क पेंसिल होती हैं। सबसे पहले जो ये 2B पेंसिल है, ये सबसे लाइट होती है, और 4B इससे डार्क, और 6B सबसे ज़्यादा डार्क। सो मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ। सो पहले तो मैं इन पेंसिल्स को शार्प करूँगा। सो यहाँ पे मैंने सारी पेंसिलों को अच्छे से शार्प कर लिया है। सो अब मैं आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ कि इन पेंसिलों से लाइट टू डार्क शेडिंग कैसे होती है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2B पेंसिल से शेडिंग करूँगा। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पेंसिल्स को धीरे ही चलाएंगे तब भी ये काफ़ी ज़्यादा डार्क चलेंगी, क्योंकि ये नटराज एंड डॉम्स पेंसिल इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती हैं जितनी ये अप्सरा की चीप पेंसिल्स डार्क होती हैं। सो मैंने 2B पेंसिल से तो शेडिंग कर दी है, अब मैं 4B पेंसिल से शेडिंग करूँगा। सो यहाँ पे ये पेंसिल टूट चुकी है, क्योंकि ये पेंसिल इनको काफ़ी अच्छे शार्पनर से शार्प करना चाहिए। ये मैंने इसलिए तोड़ी है ताकि आपको समझ में आए कि आपको नॉर्मल शार्पनर से इनको, ये पेंसिल काफ़ी ज़्यादा शार्प सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए इनको अब मैं आपको दोबारा इससे शार्प करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये शार्प कर ली है। सो यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल से भी शेडिंग कर दी है, अब मैं 6B पेंसिल से शेडिंग करूँगा। सो आपको सारी शेडिंगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा, सबसे पहले लाइट, फिर नॉर्मल, फिर डार्क। सो ये मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल से करी थी, और ये 4B एंड ये 6B। और अगर आपको 2B से भी ज़्यादा लाइट शेडिंग करनी है तो आप 6H पेंसिल से शार्प कर सकते हैं, मेरा मतलब सेट कर सकते हैं। सो मैं आपको 6S पेंसिल से साफ करके मेरा मतलब सेट करके दिखाता हूँ। सो ये देखो 6S पेंसिल कितनी ज़्यादा लाइट चलती है। सो आपको चारों शेडिंगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा, 2B लाइट, फिर 4B नॉर्मल, और फिर 6B सबसे ज़्यादा डार्क, एंड ये 6H सबसे ज़्यादा लाइट। सो गाइस, अब मैं आपको डॉम्स का शार्पनर दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो डॉम्स का शार्पनर, और इसमें ये यहाँ पे रबड़ भी आती है, मैं आपको रबड़ खोल के दिखा देता हूँ। सो मैं आपको रबड़ खोल के दिखाता हूँ। सो ये देखो पीले कलर की, येलो कलर की रबड़ है। सो मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ये 6B वाली इरेज करूँगा। तो ये देखो कितने अच्छे से इससे इरेज हो जाता है,
और ये इधर की साइड यहाँ पे शार्पनर है, और ये अप्सरा की इरेजर है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो गाइस ये देखो, ये यहाँ पे मैंने इसकी पन्नी छुटा दी है। सो ये देखो काफ़ी बढ़िया इरेजर है, मैं आपको इससे भी इरेज करके दिखाता हूँ। सो ये देखो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इरेज हो जाता है। सो आपको दिख रहा होगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इरेज हो जाता है। सो गाइस ये थे कुछ मेरे ड्राइंग मटेरियल्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग बनाने में। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।